हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कुछ अलग ही किस्म का होने वाला है, क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ डोसा इनविटेशन में अपने फ्रेंड के घर। उसने इनवाइट किया है मुझे, मैं अब निकल रहा हूँ, कपड़ा वपड़ा पहन लिया हूँ और उसके घर मैं निकलूँगा। उस जगह से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, मेरी वीडियो करियर की शुरुआत उसी जगह से हुई थी। तो निकलते हैं और आपसे आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग बनाते बनाते आधा रास्ता कवर हो चुका है। अभी मैं पेड़ के छांव में रुका हुआ हूँ, थोड़ा बारिश हो रहा था। गाइज, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। पहुंच चुके हैं दोस्त के घर और देखते हैं क्या होता है। बिल्ली घुसी। फ्रेंड्स, तो इस घर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। खाना खा के अब आए हैं खेतों की तरफ घूमने के लिए। भाई के खेत दिखाए जहाँ हम लोगों ने वीडियो शूट किया है। सावन 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 का गीत बहुत चल रहा है ना जी। है ये ट्यूबुल जहाँ सबसे पहला वीडियो शूट भई रहा चीन में। अजान दे भाई, एक दिन में शूट हो गई रहा वो, और ही कौन वीडियो आज हमने के एक दिन में ना शूट भइल रहला। पहले हाली एक्सपीरियंस रहला, पहला हाली में वीडियो इतना जल्दी शूट भइल एक दिन में सब कुछ। आ कैमरा के कर रहला उ दलुआ वाला अपन कैमरा ना रहला उस समय, ऐसा स्थिति रहला। D90 ना रहला रे भाई। अरे D90 ना ना उतना अच्छा क्वालिटी ना देतला, तोरा से बोलनी ना दिक्कत ना आराम रहे। तो इस जगह को आप पहचानते नहीं होंगे, जाके मेरा दादित पांडे पर वीडियो देखिएगा। सबसे पहला वाला वीडियो यहीं शूट हुआ था और अभी तक ये ट्यूबुल है, भाई का ट्यूबुल है और यहीं पर शूट हुआ था वीडियो। और ट्यूबुल और चले लगी ना, चले अब सपा बाकी ना नहीं बा। तो इस पाइप में बहुत बड़ा अजगर है, कौन है अजगर है, बहुत बड़ा सा। तो इसके अंदर है, इसके अंदर थोड़ा रील शूट कर लिया जाए। तो चलते हैं कैमरा लाने के लिए। चलिए। तो कैमरा लेकर आते हैं, थोड़ा इस लोकेशन पर एक दो रील शूट कर लिया जाए। तो स्कूटी में से कैमरा निकालते हैं, कैमरा लाकर शूट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गांव से मेरी बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं। इस गांव में मेरा कम से कम 3-4 वीडियो शूट हुआ है यूट्यूब के लिए। भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए भाई को मैं बहुत मानता हूँ। उनके घर वालों ने भी बहुत मेरा सपोर्ट किया है, उनके माता पिता ने, सभी ने मेरे को सपोर्ट किया है, बच्चों जैसा प्यार दिया है। तो चलिए अब आगे मिलते हैं ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैमरा और स्पीकर ले लिया है, जा रहे हैं वही ट्यूबवेल के पास। वहाँ कैमरा सेटिंग करके आईएसओ अपर्चर शटर स्पीड सेट करके वीडियो शूट करेंगे, 2-3 रील बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। बहुत गर्मी भी है, थोड़ा धूप है, उमस वाली गर्मी है। तो दो तीन वीडियो बनाकर आपसे मिलते हैं, तब तक ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, रील शूट हो गया है। अभी हम लोग मचानी में बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी हवाएँ चल रही हैं, बादल भगवान गरज रहे हैं और देख सकते हैं मचानी का क्या फ़ायदा है। खेतों के बीच में आप सो सकते हैं, यही शहर में रहेंगे तो मकान में पैक रहेंगे,
और गर्मी से जूझेंगे, लाइट नहीं रहेगी तो गर्मी से जूझेंगे, अगर एसी रहेगा तो मज़ा उठाएंगे, कूलर रहेगा तो थोड़ा सा मज़ा उठाएंगे, पंखा रहेगा तो हल्का सा मज़ा उठाएंगे, और पंखा नहीं रहेगा तब तो आपको इस मचानी की याद आएगी। कितना अच्छा यहाँ पर लगता है, थोड़ा ब्लैक हो जा रहा है, देख सकते हैं मचानी में हम लोग बैठे हुए हैं। यही है, कभी कभी मेरा कैमरा बहुत कमाल कर देता है, वोट पर लिपस्टिक लगा देता है। तो फ्रेंड्स, इस जगह को छोड़कर हम लोग जा रहे हैं, अब कैमरा को रखते हैं, बट कैमरा को रखते हैं स्कूटी के अंदर। और इसके बाद खाना आना तो हो ही गया, डोसा बहुत ही अच्छा था। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ, और मेरे साथ भाई भी जाएगा चीन में। जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, मौसम ख़राब हो चुका है, पूरा ही अंधेरा हो चुका है, बारिश होने का चांस है, जल्दी से निकला जाए नहीं तो फंस जाया जाएगा। ये डॉगी लोग आ गए हैं यहाँ पर घर के पास, अपना डेरा जमा लिए हैं। मौसम है सुहाना, खुशी का नहीं है ठिकाना, आपसे मौसम बहुत बढ़िया है, हल्की हल्की बारिश और हवा बहुत तेज चल रही है, और इसीलिए मैं कैमरा एकदम मुंह में सटा के बोल रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ साफ नहीं आएगी अगर दूर रख के बोलूँगा तो। मैंने बारिश है नहीं क्यों फ्रेंड्स, रुकते रुकते चलना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश तेज हो रही है, कभी धीरे हो रही है। और देखिए मड़ई में फिर से यहीं पर मड़ई मिल गया, यहीं पर हम लोग छुप गए हैं, और भगवान बहुत तेज गरज रहे हैं। यही है, थोड़ा गर्मी से आराम मिला है, उमस वाली गर्मी थी, और बाल भी मेरा सेट हो रहा है। अगर वीडियो में बलेश्वर मंदिर दिख गया तो समझ जाइए कि हम लोग बलिया पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।